बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ खुश नवाज़ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस की है। डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज़ एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके रो में एलिमेंट है 100, 210, 320। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की भी हो सकती है, क्योंकि दोनों को कंबाइन भी पढ़ा जाता है कभी सिलेबस में है, यानी लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स की प्रॉब्लम ये हो सकती है। सबसे पहले तो हम इस गिवन जो मैट्रिक्स है उसको ए से ऐसे डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या स्क्वायर में भी, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 100, 210, 320। अब इसके बाद हमें इसके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा ताकि हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकें और अल्टीमेटली हम आइगन वेक्टर्स एंड आइगन स्पेस हमको मिल जाए। दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ the matrix A is given by, यानी यहाँ पर हम A माइनस लेमडा I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको फाइंड करने के लिए, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए, जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है उसके लीडिंग डायगनल के जो तीनों एलिमेंट है उसमें से लैम्डा को माइनस करके लिखना होगा, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में ज़ीरो रख देंगे। तो अगले पेज पर हम लोग इसको देख रहे हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, 1 माइनस लैम्डा 0, 0, 2, लीडिंग डायगनल में से लैम्डा को माइनस कर दें, 0, 3, 2, और 0 में से लैम्डा को माइनस कर दें। इस तरीके से हमें जो गिवन मैट्रिक्स थी उसमें से माइनस कर दिया हमने लीडिंग डायगनल में से लैम्डा, तो हमको ये एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले तो हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको जब सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस लेमडा, और इससे आने वाले रो और कॉलम को जब छुपा लेंगे तो बचेगा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट, यानी 1 माइनस लेमडा 0, 2 और 0 माइनस लेमडा। और इसके बाद चूँकि ये 0, 0 है तो -0 × 0 को छुपा के बचा कुचा ये मैट्रिक्स भी लिखना होगा। फिर प्लस जो होगा 0 और इसमें एक डिटर्मिनेंट ये लिखेंगे, चूँकि ये 0 वैल्यू हैं तो जो 0 से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा 0, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट हैंड साइड में 0 है उसको लिखें, इसे लिखें और राइट हैंड साइड में 0 है। अब इसको एक्सपेंड कर दें सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसका इनटू इसमें, यानी 1 माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लेमडा का, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में 0। अब इसके बाद हमें माइनस से जब डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा लेमडा, इसको पहले लिख दें, और ये वैल्यू जो है 1 माइनस लेमडा का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक ही फैक्टर है, इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, यानी इस लेमडा को 0 के बराबर रखेंगे और फिर 1 माइनस लेमडा को के स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे, इससे हमें लेमडा की जो तीन वैल्यू हैं तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, जो इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी। दी रूट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशंस आर, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे 0, 1, और ये 1 चूँकि होल ऑफ स्क्वायर है रिपीट होगा, दस इस तरीके से हम कह सकते हैं। दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0, 1 एंड 1।
अब आइगन वैल्यूज़ हमें जो मिल गई हैं, लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए लिखेंगे दी आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज गिवन बाय ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर है वो एक्स से हमको मिलेगा। फिलहाल तो हम इसको जनरल केस में लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम इसको बार बार लिखना पड़ेगा, ऐसा करते हैं कि हम आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा ज़ीरो हटा दीजिए इस गिवन बाय दिस। तो ये जो है आपको मिल जाएगा जो शुरुआत में जो मैट्रिक्स हमने करेक्टरिस्टिक से इक्वेशन ये लिखा था ए माइनस लैम्डा आई, हालांकि ये डिटर्मिनेंट था, आप इसको मैट्रिक्स बना दीजिए इस वैल्यू को जो ऊपर सबसे लिखी हुई है, और बस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये डिटर्मिनेंट हो। वन माइनस लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो, टू वन माइनस लैम्डा ज़ीरो एंड थ्री और टू और फिर ज़ीरो माइनस लैम्डा। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है क्योंकि थर्ड ऑर्डर की है ये हमारी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, सॉरी एक्स वन एक्स टू यहाँ पर एक्स थ्री आएंगे, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो जो मैट्रिक्स है उसको ज़ीरो मैट्रिक्स के एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो भी कॉलम वाइज इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें लैम्डा की वैल्यू जो है ज़ीरो और वन उनके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू लिखना है। तो पहले लिखेंगे यानी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो इसमें यानी इक्वेशन अभी तक नहीं डाला तो इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर वन में हम लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो जब रखेंगे तो ये हमारा ज़ीरो माइनस हो के वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट जो बचेगी उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन से, वन ज़ीरो ज़ीरो एंड टू वन ज़ीरो थ्री टू ज़ीरो, और यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एज इट लिख दिया इक्वेशन नंबर वन से, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो ज़ीरो लिखा है वो सिर्फ लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है वो हो गई। अब इसको हम एक्लॉन्स फार्म में इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे, और आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो अच्छा लगे जो ठीक लगे आपको तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज़ीरो ज़ीरो बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि आर टू में ऑपरेशन कर सकते हैं, आर टू में से टू टाइम्स आर वन को माइनस कर देंगे, और आर थ्री में भी साथ में ऑपरेशन करते जाएंगे तो आर थ्री में से थ्री टाइम्स आर वन माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि इन ये वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो है, इसमें टू से इंटू करेंगे तो इन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थ्री से इंटू करेंगे इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर जब टू से इंटू होगा माइनस करेंगे आर टू में से तो टू में से टू माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे थ्री में से थ्री माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो चूँकि आर वन में कोई भी ऑपरेशन हमने नहीं किया तो आर वन को एज इट लिख देंगे वन ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर टू से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बाकी नो चेंज। ऐसे टू से इंटू कर थ्री से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो टू और ज़ीरो रहेगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है प्री मैट्रिक्स में, और ये रो में ऑपरेशन वैसे ही राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़ीरो एलिमेंट हैं तो ऑपरेशन होने के बाद भी प्लस माइनस होने के बाद भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही बनी रहेगी। ज़ीरो में किसी से भी इंटू करके घटाएं जोड़ें तो ज़ीरो ही रहना है, इसलिए ये नो चेंज होगा इस केस में, चेंज नहीं होता राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर हमने वन बना लिया उसके नीचे ज़ीरो, और यहाँ पर वन आ गया उसके नीचे ज़ीरो बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आर थ्री में ऑपरेशन कर लें, तो ये आर थ्री में से माइनस कर देते हैं टू टाइम्स आर टू, तो टू से इंटू करेंगे और माइनस करेंगे ज़ीरो आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो में, चूँकि आर वन और आर टू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आर वन आर टू एज़ इट लिख दीजिए 100 और यहाँ पर 010 यस में मल्टीप्लाई आप 2 से इंटू करके माइनस कर रहे हैं और यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं ज़ीरो होने की वजह से, यहाँ 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी कोई भी चेंज नहीं होगा और बाकी इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, यानी इसका इंटू इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हालांकि वन का एक्स वन में इंटू होगा तो एक्स वन आएगा और ज़ीरो का एक्स टू में इंटू का ज़ीरो हो जाएगा, प्लस करके ज़ीरो कर सकते हैं। और प्लस करके ज़ीरो का जब एक्स थ्री में इंटू होगा तो प्लस ज़ीरो, और राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के बराबर इसको रख देंगे। अब सेकंड रो को लिखेंगे, सेकंड रो में इंटू करेंगे, ज़ीरो इंटू एक्स वन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस वन इंटू एक्स टू करेंगे तो ज़ीरो के अलावा है तो इसलिए लिख दिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे तो ज़ीरो का एक्स थ्री में इंटू होगा, प्लस का ज़ीरो आ जाएगा, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। फिर इसका इंटू यहाँ पर करना होगा, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो सब ज़ीरो ज़ीरो बराबर ज़ीरो, तो ज़ीरो बराबर ज़ीरो हो जाएगा, लिखने से कोई फ़र्क नहीं, फ़ायदा नहीं। तो फिर ऐसे केस में जो एक्स थ्री है, चूँकि वो उसमें इंक्लूड नहीं हुआ इक्वेशंस में किसी में, तो वो कोई भी यानी वैल्यू हो सकती है, आर्बिट्री वैल्यू होगी, उसको हम जो है वो सी वन बोल देंगे, सी वन कह देंगे से सी वन, और ये एक नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर होगा कोई। तो इस तरीके से हमारा इस एक्स लैम्डा बराबर ज़ीरो के जो करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो हम लिख सकते हैं। हैंस आइगन वेक्टर corresponding to the characteristic root lambda is equal to 0 is given by, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x is equal to जो कि x1 x2 x3 से मिलके बना है और इनकी वैल्यू 0 0 सी वन है, सी वन को अगर हम कॉमन ले लें तो 0 0 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आइगन वेक्टर लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, जिस तरीके से लिखा था फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऐसे ही फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, यानी जहाँ पर भी हमें इक्वेशन नंबर 1 में मैट्रिक्स नज़र आ रही है उसमें लैम्डा हमको दिख रहा है, वहाँ लैम्डा में से लैम्डा की वैल्यू 1 रख के रख दी जाएगी। और उसके बाद इसको इसी तरीके से जैसे कि लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया था, ऐसे ही हम लोग लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके आइगन वेक्टर फाइंड कर देंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो ये वैल्यू लिख दी हमने, ये तो 0 0 हो जाएंगी, ये -1 हो जाएगा, बाकी एज इट रहेगा। तो हम उसी को अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देख लीजिएगा पीछे, तो ये वैल्यू बची हमारे पास 0 0 0 एंड 2 0 0 3 2 तो था और यहाँ पर -1 बचा था, x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में ये 0 0 0 है। और अब यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम आर टू में जो है आप इंटरचेंज भी इसको कर सकते हैं, इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इंटरचेंज अगर हम इसको करें और तो यहाँ पर आर वन को आर टू से इंटरचेंज कर देते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। हम एक लॉन्ग फॉर्म में से चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे और ये 3 2 और -1 x1 x2 x3 और ये वैल्यू जो है वो 0 0 0 है। अब यहाँ पर 1 बनाना होता है तो सबसे पहले आर वन में डिवाइड कर दें 2 से, आर वन को 2 से डिवाइड करेंगे और
ये वन हो जाएगा। हम रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये वैल्यू जो हो गई वो 3, 2, -1 है। अब अगले स्टेप एक्लॉन फॉर्म की बनाने के लिए, इसको एक्लॉन फॉर्म में बदलने के लिए, यहाँ पर 1 इसके नीचे 0 और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें R3 में ऑपरेशन कर लेना चाहिए। R3 में से माइनस कर दें 3 टाइम्स R1, तो 3 से इंटू होकर माइनस होगा, यहाँ 0 मिल जाएगा हमको। तो R1 में और R2 में चेंज नहीं, सिर्फ R3 में ही चेंज हो रहा है। तो R1 और R2 को एज इट नोट कर दिया जाए, 0, 0, 0, और ये बचा हमारे पास 0, और इसमें तो चेंज आएगा नहीं क्योंकि उधर 0 थे। और X1, X2, X3 राइट हैंड साइड में भी 0, 0, 0। अब यहाँ पर हमें चाहिए है 1 उसके नीचे 0, यहाँ पर 1 चाहिए। तो 1 के लिए आप और रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और एक्लॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं कि 1 बनाएं, आप 2 भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद अगर नीचे कुछ भी नहीं होगा, सब 0, 0 हैं, तो इनको बस इंटरचेंज कर दें, यानी R2 को और R3 को। 1 बनाना चाहें तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, बस यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो ठीक नहीं लग रहा हमें, तो इनको इंटरचेंज कर लें। हालांकि हमारा जो काम था वो हो चुका है एक्लॉन फॉर्म, हालांकि रैंक भी नहीं निकालना हमको, बस थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। तो उसके लिए रिड्यूस करना होता है इस मैट्रिक्स को, और एक्लॉन फॉर्म में अगर रिड्यूस है, एक्लॉन मतलब सीडी होता है, सीडी तो मतलब सीडी जैसा जो है इसको बनाना होता है, यानी इस तरीके से। तो वो बन चुकी है यहाँ पर, अगर 0 है तो बढ़ जाएगी ये, तो एक लॉन बन गया, इसलिए इसको हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसका इंट्री अब यहाँ करेंगे, क्योंकि बाद वाले 0 हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा दोनों मैट्रिक्स का, इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे। तो X1 में इंटू होगा, 0 का X2 में होगा, और 0 का X3 में होगा, और सब प्लस होते जाएंगे, क्योंकि 0 है तो प्लस 0, 0 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में 0 के बराबर रख दें से। अब इसका इंट्री इसमें करेंगे, यानी 2 टाइम्स X2 का इंटू, यानी X1 तो 0 हो गया था, और 2 टाइम्स X2 और -X3 राइट हैंड साइड में 0, यहाँ 0 का इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, कोई इफेक्ट नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि X1 की वैल्यू तो 0 आ गई फिक्स। अब एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, इसलिए किसी एक को आपको मानना पड़ेगा, और आसानी से ही रहेगा हमारे लिए अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और हम लेट कर लें, कह दें इसको ये C2 है, X2 को C2 मान लें, इसको हमने ये कह दिया, ऊपर लेट कर लिया है। तो ये एक नॉन ज़ीरो स्केलर होता है, नॉन ज़ीरो कोई भी स्केलर, कोई आर्बिट्री वैल्यू होती है, इनफाइनाइट मैनेज सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं इसके। और जब यहाँ पर C2 रखेंगे तो 2 टाइम्स C2 हो जाएगा, X3 राइट हैंड साइड में पहुँच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम डायरेक्ट X3 की वैल्यू को निकालने में कामयाब हो गए, 2C2। तो अब हम इस लेमडा इज इक्वल टू जो 2 है, 1 आया था सॉरी, उसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हैंस द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन रूट लैम्डा इज इक्वल टू 1 आर गिवन y। तो यहाँ पर वेक्टर्स कर लेंगे, सी फॉर्म में आ रहा तो सी बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए r यहाँ पर आ रहा है, और ऐसे ही पीछे भी कर लीजिएगा। तो जो x जो कि हमारा आइगन वेक्टर होता है, X1, X2, X3, और इस लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए इनकी वैल्यू आई हैं, X1 की भी 0 आई थी, X2 C2 माना था, X3 2 टाइम C2 निकला, C2 को कॉमन ले लिया जाएगा, तो 0, 1, 2 आ गया ये। अब हम इसके बाद में जैसे कि डेफिनेशन होती है आइगन स्पेसिस की, उस बेस पर हम इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आइगन स्पेसिस लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड आइगन स्पेसिस, जिसको हम लोग V जो कि होता है वेक्टर स्पेस, और V लैम्डा से डिनोट करते हैं आइगन स्पेस को, और इसके एलिमेंट
जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर मींस आइगन वेक्टर होते हैं। तो पहला वेक्टर हमें आइगन वेक्टर मिला था, तो उसमें आप जो सी वन था उसको छोड़ दीजिएगा, एक्स की वैल्यू पहले मिली थी, तो ये इसको उठा के लिख दिया जाएगा ज़ीरो। ये एक तरह का डिटर्मिनेंट होगा। और इसमें दूसरा ये है एक्स की वैल्यू सी टू छोड़ दीजिए और ये ज़ीरो, ये एक सेट होता है आइगन स्पेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस, और उनको उन एलिमेंट को लिखा जाता था जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मींस इस इक्वेशन को यानी लेमडा माइनस ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यू को सभी वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से हमारा ये आइगन स्पेस हो गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।